नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है।
कट जाता है तथा तथा परिणाम स्वरूप अम्लीय प्रवृत्ति परिणाम स्वरूप क्षारीय प्रवृत्ति घट जाती है। देखें आपसे कहा आर एन एच टू, एक हमने ले लिया एन एच टू और एक हमने ले लिया बेंजीन रिंग और एच। बेंजीन पहले तो हम इसकी बात करें, कुछ भी नहीं है, हाइड्रोजन अटैच है, जीरो आई इफेक्ट होता है, रिजल्टेंट क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन घनत्व जीरो। इसमें देखें तो यहां एल्किल समूह का प्लस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट के कारण ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, जबकि यहां ये जो लोन पेयर है बेंजीन वाले के साथ अंधात्मक भाग लेता है, क्योंकि इसका प्रभाव कौन सा होगा, प्लस एन और प्लस एन के कारण क्या और प्लस एन की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बेंजीन वाले की तरफ स्थानांतरित होगा, जिसके कारण इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गया इसका कम, और इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया तो क्षारीय प्रवृत्ति इस पर निर्भर कर रही है मेनली नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, क्यों, क्योंकि यहां यदि आप देखें दोनों ही वन डिग्री के रूप में, यानी कि ये भी वन डिग्री, तो जैसे त्रिभुवन बाधा इस पर होगी वैसे इस पर होगी, चलिए हो जो इसकी होगी वो इसकी होगी, तो वो दो फैक्टर तो खत्म हो गए, बचा क्या केवल इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बचा है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व इसका है, इसकी होगी। उसके बाद एनिलिन की क्षारीय प्रवृत्ति, एरोमेटिक एनिलिन की क्षारीय प्रवृत्ति अमोनिया से कम, बात क्लियर भैया, तो लिख लें इसको। अरे लिख गया क्या ये ऊपर वाला, इसको भी छाप रहे हो क्या, मेरे समझ तो लो, पहले छपाई का काम बड़ा मतलब बराबर 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 छपाई का काम, प्रिंटिंग पेज भी फिल कर रहा है। चलो अब इधर देखें ध्यान से बेटा, खड़ा हो, ये कौन सा प्रभाव दर्शा रहा है, माइनस एन और
देखो बेटा, पहली बात, यदि कोई भी समूह ऑर्थो पर या पैरा स्थिति पर जुड़ा हुआ तो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर उसका या तो आर प्रभाव हो सकता है या फिर एच प्रभाव हो सकता है। एच का मतलब हाइपरफॉर्म, ठीक है। आर को हम एम बोलते हैं, एक बार एम बोला एक बार आर बोला, दोनों चीजें एक ही, ठीक। आपको पहचानना कैसे होगा उनकी संरचना, यदि किसी तत्व पर लोन पेयर है और उसका लोन पेयर अनुनाद में भाव ले रहा है तो वो समूह हमेशा प्लस आर या प्लस एम समूह। जैसे कि ये लोन पेयर ही भाग लेगा अनुनाद, तो ये क्या होगा, प्लस आर या फिर प्लस एम। तो इस पर पहली बात, कौन सा प्रभाव है, प्लस। दूसरा प्रभाव, ये कार्बन से जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन की विद्युतता ज्यादा है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसलिए दूसरा प्रभाव कौन सा है इसका, माइनस आर। दो प्रभाव इस पर। सिमिलरली इस पर भी देखे हैं तो लोन पेयर है तो सेम कंडीशन होगी, प्लस एम और माइनस। इस पर यहां अनुनाद होगा डबल बॉन्ड के साथ, लोन पेयर नहीं, एन डबल बॉन्ड ओ और बेंजीन बनेगा, दोनों के इलेक्ट्रॉन मतलब डबल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो पहले बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, O की तरफ। जब O की तरफ शिफ्ट होगा तो बाहर आएंगे इलेक्ट्रॉन, इसके क्या हो गया, ये माइनस एन और माइनस आई। सभी समूहों में हमेशा M प्रभाव I प्रभाव से ज्यादा होता है, केवल क्लोरीन को छोड़कर। क्लोरीन में माइनस I ज्यादा होगा किससे, प्लस M, लेकिन बाकी के सभी में प्लस M, यानी कि M प्रभाव I से ज्यादा होगा। सर कोई सा भी I हो, कोई सा भी है, हमेशा एम प्रभाव का। अब गौर से देखें, सबसे पहले एच का कोई प्रभाव नहीं, तो ये तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, यहां कौन सा प्रभाव है, प्लस एम, क्यों, क्योंकि माइनस आई प्रीडोमिनेंट हो गया कम, तो प्लस एम के कारण इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, ये बढ़ गया। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और खींचेगा तो कम होगा, और ये माइनस एम भी है और माइनस आई भी है, दोनों ही प्रभाव माइनस में है, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व किस पर है, इस पर है सबसे ज्यादा, उसके बाद इस पर, पहले तो इस पर है सबसे ज्यादा, उसके बाद कॉन्स्टेंट है, उसके बाद कम है। तो क्षारीय प्रवृत्ति का यदि हम इसका क्रम निकालें तो क्षारीय प्रवृत्ति का क्रम क्या हो गया, सबसे ज्यादा सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड और फिर ये इसका क्या होगा क्रम। आपको बेंजीन वाले के साथ ऐसे क्वेश्चन था, ये फिनोल में भी है, हमने फिनोल नहीं किया था तो उसमें भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, तरीका सेम है सभी का, चाहे फिनोल हो चाहे आपका एनिल हो चाहे आपको। अब फिनोल में क्या पूछेंगे, वो फिनोल में क्या पूछेंगे इसी क्वेश्चन की तरह, अम्लीय प्रवृत्ति, और अम्लीय प्रवृत्ति एल्कोहल में क्या बताई थी कि ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना कम होगा उतनी ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति होगी, तो वो वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन घनत्व देखना है, वहां किसका घनत्व देखना, यहां ज्यादा चाहिए वहां क्या चाहिए कम चाहिए, क्योंकि वह अम्लीय प्रवृत्ति है। क्लियर भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें?